नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स नज़दीक है और आज इस शॉर्ट लेक्चर में हम ले रहे हैं की टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिडाइवल इंडिया। इट हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी दैट दीज टर्म्स विल कम इन द प्रीलिम्स एग्जाम। आइए शुरू करते हैं वन बाय वन। द फर्स्ट टर्म विच वी विल सी टूडे इज खोत एंड मुकद्दम। वॉट आर खुत एंड मुकद्दम्स? देखिए, विलेज हेडमैन जो एंशंट मिडाइवल इंडिया में जो होते थे, कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। जो नॉर्थ इंडिया में होते थे उनको हम जनरली आप पाएंगे, उनका नाम होता था खुत या मुकद्दम। ये एक टाइटल है जो उनको दिया जाता था। तो जब भी अगर आपको आए कि वॉट आर खुत एंड मुकद्दम्स, तो खुत एंड मुकद्दम्स क्या है? विलेज हेडमैन है कहाँ पर? नॉर्थ इंडिया में। जब डक्कन आप जाएंगे मिडाइवल इंडिया में, तो डक्कन में इनको कहा जाता था पटेल, जो कि अभी भी बहुत एक फेमस सरनेम है जो यूज होता है आप अगर जाएंगे वेस्टर्न इंडिया या डक्कन में। तो पटेल क्या है? विलेज हेडमैन है डक्कन में। और खुद मुकद्दम क्या है? टाइटल किनका? विलेज हेडमैन नॉर्थ इंडिया में। द नेक्स्ट फेमस टर्म जो आप पाएंगे मिडाइवल इंडियन लिटरेचर में वो है चौधरी। चौधरी टर्म जो अपियर होने लगी लिटरेचर में वो सबसे पहले देखी गई 14th सेंचुरी में इब्न बतूता व्हेन ही केम टू इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने कौन सी फेमस बुक लिखी थी? रहला। तो वो लिखते हैं कि चौधरी आर हेड ऑफ 100 villages। ये कहां की बात है? 14th सेंचुरी की बात है। 14th सेंचुरी इज द टाइम व्हेन द टर्म चौधरी फर्स्ट अपियर इन द लिटरेचर, रेवेन्यू लिटरेचर और एनी काइंड ऑफ लिटरेचर। और ये बात है 14th सेंचुरी की, और इसके बारे में इब्न बतूता ने भी लिखा है। पर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अफगान रूल एंड लेटर मुगल रूल, चौधरी इज जनरली टर्म एसोसिएटेड विद द हेड एट परगना लेवल। देखिए, हमने को पता है कि परगना विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच की एक यूनिट है। परगना विलेजेस का एक झुंड है, विलेजेस का एक, जैसे कि यहाँ पे 100 villages हैं, वैसे एक कलेक्शन ऑफ विलेजेस को एक परगना नाम दिया गया है। और इसके ऊपर होता था शिक, जो कि बाद में नाम जिसका सरकार हो गया, जो एक डिस्ट्रिक्ट यूनिट है। तो इनके हेड को कहा गया चौधरी। द नेक्स्ट टर्म इज खराज। वॉट इज खराज? खराज इज लैंड रेवेन्यू। देखिए, उस टाइम पीरियड में जो कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो क्या थी? वो थी एग्रीकल्चर। एवरी एम्पायर, एवरी रूलर वॉज ट्राइंग टू, वॉट दे वॉट ट्राइंग टू डू, ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट द सरप्लस एग्रीकल्चर फ्रॉम द पीजेंट्स। और इसका नाम था, इस लैंड रेवेन्यू का नाम था खराज। ये जो अगर खराज टर्म कभी आएगी तो इट इज अ लैंड रेवेन्यू ऑफ मिडाइवल इंडिया। अगला टर्म है हक ए खोती। अब ये हक ए खोती क्या है? देखिए, हमें पता है, हमने खुद मुकद्दम, पटेल और चौधरी देखे, ये क्या है? विलेज हेडमैन है। इनका काम क्या था? दे यूज टू असिस्ट स्टेट इन द कलेक्शन ऑफ खराज। यानी खराज क्या है? लैंड रेवेन्यू। अब उस जमाने में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी स्टेट टू हैव लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। तो ये इन हेडमैन का यूज करते थे, खुद मुकद्दम और चौधरी का। और इसके बदले में इनको क्या मिलता था? हक के खोटी। वो क्या है? प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस इनको ग्रांट करते थे स्टेट इन lieu of the services which they are providing to the state. So they are the privileges being granted to the village headman for services to the state. और क्या सर्विस है? कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू में असिस्ट करना। ये privileges अलग अलग तरह के होते थे, पर जनरली privilege consist होता था कि एक portion of जो इनका खुद का लैंड है, खुद मुकद्दम की जो खुद की पर्सनल लैंड होल्डिंग है, उसके एक परसेंटेज पे आपको रेवेन्यू फ्री ग्रांट मिलेगी। यानी कि आपको उस लैंड पे कोई रेवेन्यू नहीं देना। इट इज अ काइंड ऑफ प्रिविलेज एक्सटेंडेड टू इंटरमीडियरीज लाइक खुद एंड मुकद्दम, विच आर क्या है? ये विलेज हेडमैन है। तो इसको कहा गया हक एक खोती। इसके बारे में बर्नी ने भी एक्सटेंसिवली लिखा है। और अगला टर्म है किस्मत एक खोटी। देखिए, वो क्या है? हक एक खोटी, और यह एक है किस्मत एक खोटी। वो किसने दिया है? वो स्टेट ने ग्रांट दिया है। किसको? विलेज हेडमैन्स को। पर किस्मत एक होती स्टेट ने नहीं दिया है, ये खुद ले रहे हैं। किससे? पीजेंट से। पीजेंट जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसका एक पार्ट वो किसको दे रहा है? रूलर को दे रहा है, और एक पार्ट उसमें से ले रहे हैं ये विलेज हेडमैन। और इसका नाम दिया गया किस्मत एक होती। तो विलेज हेडमैन टेकिंग समथिंग किससे? फ्रॉम पीजेंट्स एज देयर शेयर ऑफ प्रोड्यूस। क्योंकि ये माना जाता था कि जो लैंड पे विलेज हेडमैन है वो जनरली उसी की जमीन है, और उसमें उसने किसको राइट दिया है? विलेज पीजेंट को राइट दिया है। क्या करने का? लैंड टिल करने का। या फिर कई ऐसे भी इंसिडेंट थे जहां पे विलेज हेडमैन ने विलेज बसाया और बाहर से लोग आके जब बस गए तो उन्होंने अपनी एक लैंड उनको दे दी फॉर टिलिंग पर्पजेज, फॉर फार्मिंग पर्पजेज। बिकॉज ऑफ दैट दे आर टेकिंग ए शेयर ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम द पीजेंट। इसको क्या नाम दिया गया? किस्मत खोटी। और ये स्टेट नहीं दे रहा है, ये खुद ले रहे हैं।
बर्नी हमें बताते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी रूलर बने और उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करे उसमें हक्के खोटी और किस्मतें खोटी उन्होंने अबोलिश कर दिया और इंटरमीडिएट्स को यानी कि विलेज हेडमैन खुद और मुकद्दम को ये लेने से मना कर दिया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इज घरी। घरी इज ये घर से निकला है जो हाउस होता है, और वॉट इज दिस, दिस इज हाउस टैक्स। जो आपको हाउस टैक्स है उसको, ये जो टैक्स है इसका नाम है घरी, और ये किसको देना है आपको, रूलर को देना है, स्टेट को देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टैक्स इज चरी। चरी चराई से निकला है हिंदी वर्ड, इसका नाम है ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कौन करेगा, जो एनिमल है, जब एनिमल विलेज के कॉमन लैंड पे ग्रेजिंग करेंगे तो आपको इसके लिए एक टैक्स देना है स्टेट को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड विद द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज मसाहत। व्हाट इज मसाहत, मसाहत इज टर्म फॉर मेजरमेंट, इसलिए कहते हैं मसाहत सिस्टम फॉर लैंड रेवेन्यू, मतलब वो लैंड रेवेन्यू जो किसके तरीके से मिल रहा है, लैंड को मेजर करके रेवेन्यू मिल रहा है, वो मेजरमेंट से मिल रहा है, गेस वर्क से नहीं मिल रहा है। ये किसने चालू करा सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले मसाहत सिस्टम चालू करा, मसाहत सिस्टम जिसमें लैंड रेवेन्यू डिमांड जो है वो डिसाइड की जाएगी मेजरमेंट के थ्रू। तो मसाहत का मतलब है मेजरमेंट, और किसका मेजरमेंट हो रहा है, वो लैंड जिस पे फार्मिंग हो रही है और जिसके पर्पस क्या है, द पर्पस इज टू नो द लैंड रेवेन्यू डिमांड। खालिसा, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म खालिसा। देखिए जब भी एक एम्पायर होगा, एक किंगडम होगा ऑफ मिडाइवल इंडिया, उसमें लैंड रेवेन्यू जनरेशन होगा, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा, पर किस तरीके से होगा। तो मान लीजिए अगर ये पूरा एक एम्पायर है, इसमें एक पर्टिकुलर एरिया एम्पायर का जो एम्परर होगा या रूलर होगा वो अपने लिए रख लेगा कि इस एरिया का पूरा लैंड रेवेन्यू सिर्फ मेरे पास आएगा, बाकी का लैंड रेवेन्यू नोबल्स में इकता या फिर जागीर के रूप में बांट दिया जाएगा फॉर द सर्विसेज दे आर रेंडरिंग टू द स्टेट। तो स्पेसिफिक लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज डायरेक्टली गोइंग टू द रॉयल ट्रेजरी, उसको क्या, उस एरिया को क्या कहा गया, खालिसा। तो खालिसा क्या है, क्राउन लैंड है, वो लैंड है, वो एरिया है जिसका लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली रॉयल ट्रेजरी सेंट्रल अथॉरिटी के पास जा रहा है, उसको क्या कहा गया, खालिसा। तो इट इज ए क्राउन लैंड हुज रेवेन्यू, जिसका रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, सीधे एम्परर की ट्रेजरी या सुल्तान की ट्रेजरी में जा रहा है। अब देखिए खालिसा लैंड का परसेंटेज अगर किसी भी एम्पायर में ज़्यादा होगा तो रेवेन्यू किसके पास ज़्यादा होगा, सेंट्रल अथॉरिटी यानी किंग या एम्परर के पास ज़्यादा होगा। तो किंग एंड एम्परर विल हैव मोर रिसोर्सेज टू कंट्रोल द नोबिलिटी, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म वफा ए फरमानी, ये सबसे पहले हमें दिखती है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में, वफा ए फरमानी, और अगली है निर्ख ए फरमानी। ये दोनों टर्म सबसे पहले हमें दिखती है मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में। व्हाट इज द टाइम पीरियड, 1326 टू 51। अब देखिए फरमान, फरमान से आप क्या समझते हैं, फरमान कौन देता है, किंग फरमान देता है, इट्स काइंड ऑफ चार्टर। तो वफा और निर्ख इनका मतलब हम देखेंगे। देखिए वफाए फरमानी का मतलब है ऑफिशियली डिक्रीड यील्ड। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मसाहत सिस्टम जो अलाउद्दीन खिलजी ने, इनसे पहले खिलजी रूल था, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या चालू करा, मसाहत सिस्टम। मसाहत सिस्टम में क्या हो रहा है, आपकी लैंड मेजर हो रही है, फिर ये देखा जा रहा है कि उस लैंड में कितना ग्रेन हो रहा है और उससे परसेंटेज फिक्स हो रहा है। वफाए फरमानी में मसाहत तो हो रही है पर उससे एक स्टेप ऊपर चलेगा। इन्होंने कहा कि मान लीजिए अगर हमने आपका लैंड मेजर करा और ये 2 acres है, नाउ वी विल सी आप क्या इसमें उगा रहे हैं, व्हाट यू आर ग्रोइंग। टेक एन एग्जाम्पल, इफ यू आर ग्रोइंग वीट, देन नाउ वी विल नॉट सी कि कितना इसमें वीट हुआ एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। नो, वी नो दैट यू आर ग्रोइंग वीट, वी नो यू हैव 2 acres ऑफ लैंड, सो अकॉर्डिंगली हमने क्या कैलकुलेट कर रखा है कि भाई अगर 1 acre है तो उसमें मान लीजिए अगर वीट होता है 20 kg तो 2 acres में होगा 40 kg। अब यहां एक्चुअल हार्वेस्ट हो सकता है कम हो और एक्चुअल हार्वेस्ट हो सकता है ज्यादा हो, पर ऑफिशियली इन्होंने मान लिया कि पर एकर या पर बीघा अगर आप पर्टिकुलर ग्रेन उगा रहे हैं तो हार्वेस्ट में कितना होगा। तो इट इज ए वफाए फरमानी, इट मींस अगर आपका मसाहत सिस्टम में लैंड मेजर हो गया है और गवर्नमेंट को पता लगा है कि यू आर ग्रोइंग पर्टिकुलर क्रॉप ऑन ए पर्टिकुलर एरिया, देन गवर्नमेंट बिना ये मेजर करे कि एक्चुअल हार्वेस्ट कितना हो रहा है पहले से बता देगा कि एरिया इतना है, क्रॉप ये है, तो इसमें एवरेज इल्ड इतनी है तो इसलिए स्टेट का शेयर इतना होगा, विदाउट कंसिडरिंग के एक्चुअल हार्वेस्ट कितना हुआ। निर्ख है फरमानी,
अब देखिए ग्रेन तो सीधे स्टेट लेगा नहीं, स्टेट आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप लैंड रेवेन्यू दें इन कैश। तो अब ये भी स्टेट ने एक लिस्ट बना रखी है कि कितना एवरेज यील्ड होगा, स्टेट ने ये भी लिस्ट बना रखी है कि जो भी आप ग्रेन उगा रहे हैं उसकी मार्केट रेट क्या होनी चाहिए, तो उस मार्केट रेट के हिसाब से आपका जो आपका जितना केजी प्रोडक्शन हो रहा है, जो आपका रेवेन्यू आपको स्टेट को देना है, उसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा कैश में, और इस तरीके से कैश की डिमांड आपसे करी जाएगी। कौन करेगा? स्टेट करेगा। अब इसमें फ्लो आपको दिख रहा है वफाए फरमानी में, एक्चुअल प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही, एवरेज प्रोडक्शन की बात हो रही है, और नीर के फरमानी में भी एक्चुअल रेट मार्केट में ग्रेन की क्या है उसकी बात नहीं हो रही है, ये भी एक अज्यूम करके उस पर उसको कन्वर्ट कर दिया है रेवेन्यू डिमांड में। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजंस मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में वी हैव सीन मेनी पीजेंट रिवोल्ट्स, एंड बहुत बार पीजेंट्स ने एग्रीकल्चर छोड़ दिया और जंगल्स में भाग गए ताकि उनके ऊपर टैक्स का बर्डन ना पड़े। नेक्स्ट इज हके शर्ब। अब अभी तक हम देख रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक को, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर वॉज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड है 1351 टू 1388। ये जो टाइम पीरियड है इसमें इन्होंने केनाल्स बहुत सारे डिग करे फॉर द इरिगेशन पर्पसेस। अगर आपका फार्म ऐसी जगह पर है जहां पे स्टेट ने इरिगेशन के लिए केनाल्स डिग करे हैं एंड यू आर यूजिंग द वाटर ऑफ दोस केनाल्स, देन यू विल गिव यू हैव टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द स्टेट, दैट टैक्स इज इरिगेशन टैक्स। तो हके शर्ब इज इरिगेशन टैक्स, क्योंकि वो केनाल्स किसने डिग करी है? स्टेट ने। सोनधार, सोनधार इज ऑल्सो ए टर्म विच इज फर्स्ट केम इन टू प्रोमिनेंस ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। सोनधार क्या है? एग्रीकल्चर लोन्स, एग्रीकल्चर लोन दिए जाएंगे तुगलक पीरियड में। क्यों? फॉर टू द फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप, सर्टेन क्रॉप, और इन द टाइम ऑफ फेमिन और एनी टाइम ऑफ इमरजेंसी। अब ये सोनधार जो लोन है, ये अथॉरिटी कौन है, कौन डिसाइड करेगा सोनधार किसको मिला? लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा? चौधरी, जो कि एक इंटरमीडियरी है, कहां पे? परगना लेवल पे या 100 विलेज के लेवल पे। चौधरी विल डिसाइड हु इज द हु शुड बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस सोनधार लोन्स, क्योंकि वो लोकल एरिया का है, वो बताएगा किस फार्मर को कितनी जरूरत हो। अबवाब्स, अबवाब क्या है? अबवाब इज सेस, जो सेस है वो उनको कहा गया है अबवाब्स। हमें पता लगता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो फिरोज शाह तुगलक आए, उन्होंने 23 अवाब्स हटा दिए, उन्होंने अबोलिश कर दिए कि अवाब्स नहीं रहेंगे, सेस नहीं रहेगा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स वी विल सी इज फवाजिल। व्हाट इज फवाजिल? देखिए, इक्ता सिस्टम जब हुआ तो इक्ता सिस्टम में दिल्ली सुल्तान क्या करते थे? दिल्ली सुल्तान जो नॉर्मल नोबल्स हैं, जो मेरिटो मेरिट के आधार पर जो मेरिटोरियस हमारे जो नोबल्स हैं, उनको क्या दिया जाता था? लैंड दिया जाता था फॉर गवर्नेंस। उस लैंड को क्या कहते थे? इक्ता। उस लैंड का जो रेवेन्यू था, उस रेवेन्यू से क्या क्या करना था इक्तेदार को? इक्तादार जो कि इक्ता का होल्डर है, उसको क्या करना है? उसको आर्मी मेंटेन करनी है, उसको लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना है, और अपना खर्चा निकालना है। आफ्टर डिडक्टिंग फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द आर्मी, द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉस्ट ऑफ हिम हिज सैलरी, उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा फ्रॉम द लैंड रेवेन्यू, दैट अमाउंट इज फवाजिल, विच इज सरप्लस अमाउंट। This amount has to be deposited with the central treasury with the sultan. So this term is fawazil. Diwan-e-Wizarat. Diwan-e-Wizarat is finance department. और इसका head कौन है? वजीर। तो दीवान is a department of विजारत। विजारत मतलब क्या है? Finance department of medieval India. जमा। What is जमा? जमा is estimated revenue from a particular area. क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इफ ए सर्टेन एरिया इज गिवन टू ए पर्सन लाइक ए इक्तादार और ए जागीरदार इन लियू ऑफ ए सैलरी, देन दैट अमाउंट ऑफ लैंड विल बी गिवन, जो उसके जिसका रेवेन्यू किसके बराबर हो? उसकी सैलरी के बराबर हो। पर सैलरी पर रेवेन्यू जो होगा वो तो बाद में आप रियलाइज करोगे, पहले तो एस्टिमेशन होगा। तो दैट एस्टिमेशन फ्रॉम ए पर्टिकुलर एरिया ऑफ द रेवेन्यू दैट विल बी जनरेटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया इन, तो जो ये एस्टिमेशन हो रहा है, इस एस्टिमेशन को कहा जाएगा जमा। और हासिल क्या है? हासिल ये है जब एक्चुअली ये रेवेन्यू रियलाइज हो जाएगा। एस्टिमेटेड रेवेन्यू जब आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इतना रेवेन्यू मिलेगा, इट इज जमा, और जो एक्चुअल रेवेन्यू मिला दैट इज हासिल। जैसे कि बजट में प्रोजेक्टेड इनकम, तो प्रोजेक्टेड इनकम इज जमा और रियलाइज्ड इनकम इज हासिल, दैट इज द डिफरेंस। ओके, प्रोजेक्टेड इनकम इज जमा एंड रियलाइज्ड इनकम इज हासिल। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज इदरार, मिल्क, इनाम। ये तीनों टर्म आपको मिलेगी मिडाइवल इंडिया में, इदरार, मिल्क और इनाम। इनाम तो आप समझते हैं क्या है? गिफ्ट, ग्रांट। ये क्या है?
देखिए मिडाइवल इंडिया में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू किस जगह से आ रहा है? रेवेन्यू आ रहा है फार्मिंग से, यानी कि एग्रीकल्चर से। तो अगर किसी को कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो क्या फॉर्म में लेना पसंद करेगा? ही वॉन्ट टू हैव सम काइंड ऑफ लैंड फॉर हिमसेल्फ सो दैट ही कैन हैव रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड। अगर कोई लैंड आपको स्टेट यानी कि सुल्तान गिफ्ट करता है जिसपे आपको रेवेन्यू नहीं देना है, इट इज़ फ्री फ्रॉम द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट, इट इज़ ए इनाम, इदरार और मिल्क, सो इट इज़ रेवेन्यू फ्री लैंड ग्रांट। आपको कोई लैंड दे दिया, सुल्तान आपसे खुश हो गए, या आपने कोई अच्छा काम किया, जिस लैंड को आपको गिफ्ट कर दिया जो कि आपकी इनकम का सोर्स है, और उस पर कोई भी स्टेट टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट टर्म मुतसरिफ, मुतसरिफ इज ऑडिटर, मुतसरिफ इज ऑडिटर। ये क्या ऑडिट करेंगे? ये लैंड रेवेन्यू जब जनरेट हो रहा है, लैंड रेवेन्यू जब कलेक्शन हो रहा है, तो पेपर्स होंगे, उस पेपर्स को चेक किया जाएगा कि कोई करप्शन तो नहीं हो रहा है, तो ऑडिटर का नाम क्या है? मुतसरिफ। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट विलेज फंक्शनरी, हमने खुद तो मुकदम देखे जो विलेज हेडमैन है, इसी तरह हर विलेज में क्या होता था मिडाइवल इंडिया में? पटवारी। पटवारी का काम क्या होता था? अकाउंट रखना, विलेज के अकाउंट रखना। ये अकाउंट क्या होते थे? स्टेट की डिमांड कितनी है और स्टेट को कितना टैक्स दिया गया है, ये सारी चीजें अकाउंट पटवारी यानी कि जो विलेज अकाउंटेंट है वो मेंटेन करता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज आमिल। व्हाट इज आमिल? आमिल इज रेवेन्यू कलेक्टर, जो कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करेगा फ्रॉम द साइड ऑफ स्टेट, उस पोजीशन का नाम है आमिल। टिल द टाइम ऑफ शाहजहां, स्टार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड टिल द टाइम ऑफ शाहजहां, आमिल वॉज डूइंग बोथ द ड्यूटीज। कौन कौन सी ड्यूटी? वो असेस भी कर रहा था लैंड रेवेन्यू और लैंड रेवेन्यू कलेक्ट भी कर रहा था, पर शाहजहां ने कहा कि नहीं, सेम पर्सन कांट डू बोथ द वर्क। शाहजहां ने एक नई पोस्ट बनाई जिसका नाम था आमिन, और आमिन को काम दिया गया कि रेवेन्यू का असेस आप करेंगे, कलेक्शन आमिल करता रहेगा पहले की तरह, पर रेवेन्यू का अब असेसमेंट आमिल नहीं करेगा। एक नई पोस्ट बनाई आमीन की, जो क्या करेगा? रेवेन्यू असेस, और कलेक्ट कौन करेगा? आमिल, लाइक द प्रीवियस डेज। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज फोतादार। व्हाट इज फोतादार? देखिए जो ट्रेजरर है, कहाँ पे? लोकल लेवल, परगाना लेवल पे जो ट्रेजरर है, विलेजेस से एक परगाना के अंदर जितने भी विलेजेस हैं उससे जब लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? सबसे पहले वो जगह जहाँ पे सारा लैंड रेवेन्यू कलेक्शन होगा, किसके थ्रू? आमिल के थ्रू। वो जिस ट्रेजरी में जाएगा, उस ट्रेजरी का इंचार्ज कौन है? फोटादार। दिस इज द टर्म। तो अगर आए फोटादार क्या है, तो फोटादार इज ट्रेजरर, कहाँ पर? परगाना लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी सरकार या शिक लेवल पे भी नहीं है, विलेज लेवल पे भी नहीं है, सूबा लेवल पे भी नहीं है, और सेंट्रल लेवल पे भी नहीं है, इट इज ऑन द परगाना लेवल। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म तकावी। देखिए हमने सोनधार लोन देखे थे, सोनधार लोन कहाँ थे? सोनधार लोन थे तुगलक एरा में, पर इसी टर्म का नाम जो सोनधार लोन है वो नाम हो गया टकावी, कहाँ पर? मुगल्स के टाइम पीरियड में टकावी लोन उनका नाम हो गया जो सोनधार थे। नेक्स्ट टू इंपॉर्टेंट टर्म्स पट्टा एंड कबूलियत। देखिए जब आपका लैंड रेवेन्यू असेसमेंट होगा, तो ये देखा जाएगा आपकी एरिया कितना है, आपने कितने एरिया में आप कौन सी चीज उगा रहे हैं, क्या आप ग्रो कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप यू आर ग्रोइंग, एंड व्हाट विल बी योर डिमांड एज पर द असेसमेंट, दैट ऑल दीज थिंग्स विल बी मेंशन इन अ डॉक्यूमेंट। दैट डॉक्यूमेंट विल बी गिवन टू किसको दिया जाएगा? जो एग्रीकल्चर कर रहा है यानी कि पीजेंट को दिया जाएगा, ताकि पीजेंट को इन एडवांस पता हो कि एट द टाइम ऑफ असेसमेंट क्या असेस किया गया और क्या लिखा गया, ताकि बाद में कोई भी मिसकम्युनिकेशन ना हो। सो दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड एज पत्ता। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है जो स्टेट का रेवेन्यू डिपार्टमेंट इशू करता है किसको? पीजेंट को, जिसमें रेट ऑफ रेवेन्यू डिमांड एटसेट्रा वर एंटर्ड। जो एटसेट्रा है ये क्या है? लैंड कितना असेस हुआ, क्या क्रॉप ग्रो कर रहे हो, और इस क्रॉप पे रेवेन्यू डिमांड स्टेट की कितनी है एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, व्हाट वी हैव टू गिव। कबूलियत, कबूलियत इज अ डॉक्यूमेंट विच इज डीड ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आपने जब पट्टा एक पीजेंट को दिया, तो अब आप स्टेट को क्या दोगे? यू विल गिव कबूलियत टू द स्टेट दैट यू हैव एक्सेप्टेड द रेवेन्यू डिमांड विच इज मेंशन इन द पट्टा बाय द स्टेट। इट इज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट विच इज इंश्योरिंग दैट पीजेंट इज अवेयर दैट व्हाट हैज बीन असेस्ड ड्यूरिंग द असेसमेंट एंड नाउ ही इज एक्सेप्टिंग हिज द डिमांड ऑफ स्टेट एंड हिज ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स स्टेट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की मिडाइवल इंडिया में। इसमें दो टर्म और मैं जोड़ना चाहूंगा, एक है जागीरदार। जागीरदार क्या होता है? देखिए अभी हमने देखा कि खालिसा लैंड होता है पूरे लैंड में। ये मुगल टाइम में जागीरदार प्रथा चालू हुई। जागीरदार, द ओनर ऑफ जागीर आर नोन एज जागीरदार। द ओनर ऑफ जागीर आर होल्डर ऑफ जागीर, नॉट द ओनर, होल्डर ऑफ जागीर, क्योंकि वो उनका ट्रांसफर होता रहता था और ये हेरिडिटरी नहीं थे। तो जो जागीरदार थे, कभी ये कई बार सवाल आ सकता है, जागीरदार क्या है? दे आर द होल्डर, होल्डर ऑफ जागीर,
और उनको जागीर क्यों मिली है, क्योंकि जागीर में क्या है, रेवेन्यू। तो व्हेन यू हैव टू गिव समवन सम सैलरी और यू हैव टू गिव समवन सम रेवेन्यू बट नॉट इन कैश बट थ्रू लैंड रेवेन्यू ग्रांट्स, तो उसको क्या कहा जाएगा, जागीरदार। कहां, किस टाइम पीरियड की बात है, मुगल टाइम पीरियड की बात है। होल्डर ऑफ जागीर इज जागीरदार, दे आर नॉट द ओनर, ना वो हेरिडेटरी है, उनसे कभी भी ये जागीर ली जा सकती है। क्यों दी जा रही है, या तो उन्होंने स्टेट को कोई सर्विस दी है, इन ल्यू ऑफ द सर्विस द जागीर इज गिवन बाय द एम्परर हिमसेल्फ एंड इट कैन बी टेकन अवे एट एनी टाइम, और जागीर कैन बी गिवन इन ल्यू ऑफ, अगर आपको कोई इनाम मिल्क इदरार जो हमने देखा एज ए गिफ्ट भी जागीर दी जा सकती है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू इज जमींदार। द डिफरेंट बिटवीन जमींदार एंड जागीरदारी, जमींदार इज द ओनर ऑफ द लैंड वेयर एज जागीरदार इज जस्ट द होल्डर ऑफ द लैंड, होल्डर ऑफ वॉट, होल्डर ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम दैट लैंड। ठीक है, तो दीज आर द टर्म्स, हम उम्मीद करते हैं आपको टर्म समझ में आई होगी, आप इनको अच्छी तरह रिवाइज करिए, अच्छी तरह समझिए, क्योंकि देर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट प्रीलिम्स में इनमें से कोई एक टर्म आए। थैंक यू।